बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बताता चलूं, पूरी दुनिया का जो टूरिज़्म एक सिस्टम है जो बताता है कि कौन सा मुल्क सेफ़ है कौन सा नहीं है, उन्होंने आज बकौल दुबई के, उन्होंने आज जो है वो ऐलान किया है कि दुबई जो है इस वक्त नंबर, पहले 11 पे था, अब नंबर 1 पे आ गया कि कोरोना से उधर बहुत से लोग हिफाजत कर रहे हैं, गैप रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। तो इस वक्त नंबर 1 पे आ चुका है दुबई कंट्री, और बहुत खुश हैं वहाँ के अरबी और वहाँ के जो शहजादे और वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद के, हमारा मुल्क पहले नंबर पे आ गया। कि उन्होंने जो कहा है कि दुनिया का पहले नंबर पे मुल्क है जो सेफ़ है कोरोना वायरस से। आप उधर जाएंगे तो आप हर तरह की बीमारी से तकरीबन बचे रहेंगे, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे मास्क पहन के बाहर निकलता है, नहीं पहनता तो वहाँ पे 3000 जुर्माना किया जाता है। जुर्माने से बचने के लिए वो लोग मास्क पहनते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल टूरिज़्म जो वहाँ पे जो करते हैं कि कौन सी कंट्री जो इस वक्त बेहतर जा रही है, तो उन्होंने आज कहा है कि दुबई जो इस वक्त नंबर 1 जा रहा है कोरोना से। बस अगर आप उधर जाते भी तो कोरोना आपको यानी कि बहुत कम चांस होंगे कि आपको वहाँ पे कोरोना हो। बहरहाल ये अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप लोग भी जा सकते हैं दुबई में टूरिस्ट के लिए, और भी काफ़ी मुल्क हैं तो, लेकिन ये टूरिज़्म जो है वो उन्होंने आज ये ऐलान किया। बार अपना ख्याल रखें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इस ऐलान के बाद ये है कि वहाँ पर जॉब्स निकलेंगी, वहाँ पर लोग जाएँगे, वहाँ पर जो टूरिस्ट भी जाना शुरू हो जाएंगे, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। जो बेरोज़गार थे वहाँ पे एकदम जॉब से लोग फारिग हो गए थे, अब दोबारा से आस्ता आस्ता उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।